गोपालगंज पुलिस ने 9 लुटेरों को किया गिरफ्तार, हत्या व नगद जब्त। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र से लगभग 9 अपराधियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस तथा 7 घातक हथियार चाकू जैसे बरामद हुए हैं, और उनके पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं, और उनके पास से कुछ नोटों की गड्डी बरामद की गई है, जिसमें कि ऊपर में नोट लगा हुआ है और अंदर पेपर लगाए गए हैं। बिहार के गोपालगंज पुलिस ने 9 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो गोपालगंज और सीमावर्ती जिला मोतिहारी, बेतिया, सिवान और सारण में हथियार के बल पर लूटपाट करने के अलावा नोटों के बीच कागज का बंडल लगाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। सभी अपराधी नगर थाने के भित भेरवा के पास अपराध की योजना बनाने पहुँचे थे, जहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गयी है। गिरफ्तार अपराधियों में केसरिया थाना क्षेत्र के चांद परसा गाँव के मोहन शाह, मंजेश कुमार, दीनानाथ कुमार, विशाल कुमार, टुनटुन कुमार, राम सिंह, सुभाष कुमार, मधुबन थाना क्षेत्र के गुंजन सिंह और डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के कृष्णा सहनी शामिल है। सदर SDPO प्रांचल ने अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि गोपालगंज व सीमावर्ती मोतिहारी, बेतिया जिला में ये अपराधी राहगीरों से हथियार के बल पर लूटपाट करने के अलावा नोटों के बीच कागज का बंडल लगाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इनके पास से 3 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू, मोबाइल फोन और 2 कार बरामद किया गया है। गोपालगंज से संवाददाता नमो नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र से लगभग 9 अपराधियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस तथा 7 घातक हथियार चाकू जैसे बरामद हुए हैं, और उनके पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं, और उनके पास से कुछ नोटों की गड्डी बरामद की गई है, जिसमें कि ऊपर में नोट लगा हुआ है और अंदर पेपर लगाए गए हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि लोगों को धोखा देने के नज़रिए से उसको उस तरीके से बना के रखा गया है। इन सभी लोगों से पूछताछ के दौरान में यह बात पता चली कि इन लोगों द्वारा आसपास के ज़िलों में, गोपालगंज में, मोतिहारी में, सिवान में, बेतिया में, आसपास के ज़िलों में ऐसा कार्य किया जाता है कि जब लोग बैंक में जाते हैं तो उनसे किसी अन्य वाहनों के तरह वो बातचीत करते हैं, और उसी दौरान उनके जो रियल नोट के जो बंडल हैं, गड्डी हैं, उससे एक्सचेंज कर लिया करते थे। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र में ही ऐसे एक ऐसा मामला पूर्व में उजागर हुआ था, जिसमें एक कांड भी दर्ज किया गया था, और इस कांड को दर्ज करने के साथ ही उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि बैंक में फ्रॉड किया गया था गड्डी बदल कर, और इन लोगों को अब माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है, और अन्य कांडों में भी उनको
रिमांड किया जाएगा। हथियार भी इनके पास था, उससे क्या ये लोग यूज करते थे? इन लोगों से पूछताछ किया गया है तो इससे यह भी बातें पता चली हैं कि रोड पर चलने वाले राहगीरों से भी ये ऐसे छिनतई और लूट का कांडों को अंजाम दे चुके हैं, और इन सारे बिंदुओं पर भी जांच चल रही है और इनके निशानदेही पर अन्य भी जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसमें अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। कार भी बरामद है, दो गाड़ी भी बरामद की गई है, जिससे कि ये कुछ घटना को अंजाम देने के लिए अपना साजिश कर रहे थे, जिसमें साजिश सफल होने के पूर्व ही पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। क्रिमिनल हिस्ट्री भी क्या इनका? पूर्व से इनका कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और अन्य आसपास के क्षेत्रों में भी इनकी ऐसी संलिप्तता रही है, उसके बारे में छानबीन की जा रही है।